साथ रहना बच्चे के, क्या किसी सेंटर में आने के बाद भी पेरेंट्स का साथ होना जरूरी है? जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है। इसमें एक्चुअली ये ट्रेनिंग जो है मेरे लिए, मेरी ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली है मदर को मुझे सिखाना है, साथ साथ बच्चे के साथ ट्रेन करना है कि बच्चे की जो स्पेशल नीड्स है उसके हिसाब से आपने अपने आप को बदलना है। बेशक उन मदर्स में कोई डॉक्टर्स भी हैं हमारे पास, कुछ दूसरे प्रोफेशन से भी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अब आपको ऑटिज्म के हवाले से ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि मेरा बच्चा जो है उसकी नीड्स जो है वो ऑटिस्टिक नीड्स हैं, स्पेशल नीड्स हैं। अब उसको मिलना है, मुझे मीट करना है उसकी नीड्स के हिसाब से। अच्छा, इस जब हम इस डिसऑर्डर की बात करते हैं, सबसे बड़ा बात यह है कि बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता है और उसकी सोशल इंटरेक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि वो ना तो अपने जज्बात पे काबू रख पाता है ना अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकता है। क्या इसमें इंप्रूवमेंट होती है किसी हद तक? बहुत होती है आयशा। सबसे पहली चीज़ है कि जब कम्युनिकेशन की इंपेयरमेंट आ रही है तो उसी वो कॉल करी है सोशल स्किल्स पे भी ऑब्वियसली, और हमारे बच्चों में वो अभी हमने डिस्कस किया तीनों चीज़ों की इंपेयरमेंट है। तो जैसे एक्टिविटी होती चली जाती है हमारी, तो वो हम फोकस ही इन्हीं चीज़ों पे करते हैं कि बच्चों को इंटीग्रेट करना है, अपने आप को ग्रुप में बैठना है, सिटिंग आए, वेटिंग आए, टर्न टेकिंग है, इसके लिए रिक्वायर्ड होती है ट्रेनिंग, लेकिन इस तरह की जिसमें हम मोटिवेट कर सकें बच्चे को उसके इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ों के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों की इस वक्त फिजिकल एक्टिविटी चल रही है, किस तरह से उनको ट्रेन किया जाता है, और जिस तरह से रूही हमें बता रही थी, हमने भी सेंटर में देखा, इस वक्त एक नहीं बहुत से पीरियड्स चल रहे हैं बच्चों के, जहां पर बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी आपने देखी, इसी तरह से वर्क टाइम भी हो रहा है अंदर एक क्लास में, जहां बच्चों को इस बात की तरबियत दी जा रही है कि किस तरह से मुख्तलिफ चीजों को वो अरेंज कर सकते हैं, किस तरह से उनसे निमट सकते हैं। इस तरह बहुत से उनके एक एक छोटी छोटी बात बताने के लिए पेरेंट्स का जितना किरदार बनता है, जितना एक उस्ताद का किरदार बनता है, उतना मुआशरे का भी किरदार बनता है कि इन लोगों को भी दोस्त बनाए। जाने से पहले ये बता दूं मैं यहाँ पर कि ऐसे ऑटिस्टिक लोग गुजरे हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। आइंस्टाइन का नाम आप यकीन जानते हैं, इसके साथ साथ आइजक न्यूटन का नाम आप लोग जानते हैं, तारीफ इनसे वाकिफ है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अगर आज की बात करूं तो बिल गेट्स के नाम से भी आप वाकिफ हैं, इसी तरह से माइकल जैक्सन भी ऑटिस्टिक था। ये ऐसे बहुत से मसले हैं। अभी हमने नॉन वर्बल जिन इशूज की बात की तो आइजक न्यूटन भी उसी मसले से गुजरा, लेकिन इन लोगों ने अपने आप को मनवाया, इनकी जरूरत होती है जिस मखसूस फील्ड में चलना चाहते हैं वहां इन्हें पूरी तवज्जो दी जाए। आपको इस बारे में मजीद आज सारा दिन जियो न्यूज पर आगाह करते रहेंगे। इस सेंटर से भी मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका आयशा हमें बता रही थी। और हमारे साथ स्टूडियोज में इस दौरान मौजूद हैं सदफ शाहिद, जो कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, और जो डिटेल सदफ साहिबा आयशा ने वहां से गैदर की और हमें बताई है, तो उससे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सामने आती है वो ये कि अगर एक किसी घर में ऑटिस्टिक चाइल्ड है तो उस घर की, उस घर वालों की जो जिंदगी है वो टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, और ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है उन वालिदैन को भी जो कि उन बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल, ये मुझे रूही की ये दो बातें बहुत अच्छी लगी कि, और ये हम लोग भी जो मैं और अपने क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ, ये चीज किस जो फर्स्ट इज द को थेरेपिस्ट, कि इन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि माँ बाप जो होते हैं वो को थेरेपिस्ट, यानी उनको भी अगर थेरेपी नहीं सीखेंगे, वो नहीं सीखेंगे कि व्हाट इज़ द साइंस, व्हाट इज़ द लॉजिक, व्हाट इज़ द अप्रोच बिहाइंड ऑल द एक्टिविटीज विच आर बीइंग ट्रेन्ड, इट्स यूजलेस। क्या आप देखें, अगर इनके पास कोई एक बच्चे को लेकर आता है, एक घंटे ये काम कराती हैं, दो घंटे वापस घर भेज देती हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल थिंग इन दिस वे कि शी इज़ ट्रेनिंग द पेरेंट्स, विच इज़ रियली रियली गुड, विच इज़ द प्रैक्टिस फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो क्या होगा, आपके बच्चे को तो वो थेरेपी के लिए लेंगे, फौरन वो आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल कर देंगे, और उसके जितना वक्त आपका बच्चा स्कूल में गुजारेगा उसके बाद आपके घर पर एक थेरेपिस्ट आएगी जो शाम तक वही काम करेगी जो आप बच्चे का स्कूल में हुआ है। और सेकंड, इन्होंने ये जो पिक्चर सिस्टम जो मैंने शुरू में अपने जिक्र किया, दिस इज इन्होंने भी यही बात बोली कि विजुअल मेमोरी, दे हैव अ वेरी स्ट्रांग विजुअल मेमोरी। ये लोग बाद ऐसे बच्चे हैं कि दे कैन जो हाई फंक्शनिंग, नॉट जो हमने इसमें कोई ऐसा हाई फंक्शनिंग नहीं देखा अभी तक, हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक किड्स ऐसे भी होते हैं कि जैसे हमने आपने टेम्पल ग्रैंडन, जैसे का पार्क, यानी तस्वीर के जरिए जो है बुक फ्रॉम कवर टू कवर। यहाँ पर हम एक और कॉलर को भी शामिल करेंगे, हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा कॉलर हमारे इस शो का हिस्सा बन सके। बहावल नगर से हमारे साथ मौजूद हैं सरवर खान, इनसे हम जानेंगे कि वो क्या जानना चाहेंगे इस बारे में। जी हाँ, हमारा भतीजा है ना, तकरीबन मेरा 15-16 साल का है ना, वो 15-16 महीने का है ना वो बोल सकता है, न सुन सकता है, और ना वो किसी चीज की खबर हो जाती है, बार बार डर जाता है, और उसका ये मसला है ना कि बुखार उसके ग्रुप पर बार बार आता है ना। जी बहुत शुक्रिया आपका सरवर खान साहब। क्या बच्चे अगर बोल नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो ये भी क्या ऑटिज्म में आता है?
देखिए अगेन बहुत सारी हम जब तक बच्चे को देखेंगे नहीं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हम टेस्ट अप्लाई करते हैं, लाइक इट्स अ वर्बल टेस्ट जिसमें पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है, और जब तक हमें नहीं मालूम, हो सकता है वो बच्चा डेफ भी हो सकता है वो सुन ना रहा हो, दे आर मैनी अदर थिंग्स। देखिए बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो आपस में ओवरलैप करते हैं, आप ये नहीं, आप ये किसी एक बच्चा जो अगर अपनी दुनिया में है या जवाब नहीं दे रहा वो ऑटिस्टिक नहीं है, ठीक है। अगर कोई बच्चा अपने बच्चों की उम्र के मुताबिक काम नहीं कर रहा तो जरूरी नहीं कि वो उसके साथ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है। सो इट्स वेरी, दिस डायग्नोसिस हैज टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, इट टेक्स अ वेरी वेरी साइंटिफिक अप्रोच टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम। टाइम भी हमारा बहुत स्पेसिफिक है, यकीनन हम इस पे मजीद बहुत ज्यादा बातें करना चाहते हैं लेकिन वक्त की जो है वो कमी है, और हम आपका बहुत शुक्रिया करेंगे कि आप आए अपने महाराणा राय से हमें आगाह किया। ऑटिज्म पर हमने बात की है, ऑटिज्म पर हॉलीवुड और बॉलीवुड के कई डायरेक्टर्स ने फिल्में बनाई हैं जो शायकीन पर अच्छा तासुर छोड़ने के साथ ऑटिज्म के शिकार अफराद की तरफ तवज्जो दिलाने में भी मददगार साबित हुई। ऑटिज्म या ऑटिज्म कैरेक्टर्स पर बनाई गई फिल्मों पर एक नजर आमिर शाह की रिपोर्ट में। Why the hell is he going home with me? इसका ये मतलब नहीं कि मैं पागल हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। हॉलीवुड ने ऑटिज्म पर 15 से ज्यादा फिल्में तख्लीक की हैं, जिनमें ऑटिज्म के शिकार फर्द को फोकस किया गया है। टॉम क्रूज की फिल्म रेन मैन में डस्टिन हॉफमैन ने ऑटिस्टिक शख्स का किरदार अदा किया है और ऐसा किया कि इस पर ऑस्कर अवार्ड ले उड़े। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे ऑटिस्टिक शख्स के गिर्द घूमती है जो गैर मामूली जहानत का हामिल होता है। टॉम क्रूज का बाप मरते वक्त अपनी सारी जायदाद ऑटिस्टिक बेटे रेमंड के नाम कर देता है। इस फिल्म में टॉम क्रूज को अपने भाई की जायदाद हत्याने की कोशिश करते दिखाया गया है। इसी तरह फॉरेस्ट गंप भी ऑटिस्टिक कैरेक्टर के गिर घूमती है। जो अपनी ख्याली दुनिया में मुख्तलिफ कारनामे अंजाम देता है, इस किरदार पर टॉम हैंक्स को ऑस्कर अवार्ड भी मिला। हॉलीवुड डायरेक्टर हैरल्ड बेकर ने आई एम सैम नामी फिल्म पेश की। इसकी कहानी अकेले जिंदगी गुजारने वाले ऑटिस्टिक शख्स की है। उसकी जिंदगी में उस वक्त ड्रामाई मोड़ आता है जब वो एक बच्ची का बाप बन जाता है। ऑटिस्टिक कैरेक्टर बच्ची की जिस तरह परवरिश करता है वो मनाजिर फिल्म की कहानी में जान डाल देते हैं। इसी फिल्म से मुतासिर होकर बॉलीवुड ने फिल्म मैं ऐसा ही हूँ बनाई, जिसमें अजय देवगन ने ऑटिस्टिक रोल प्ले किया। ऑटिज्म के बारे में हमने तफसील से बात की। आपने ये मूवीज अगर नहीं देखी है तो जरूर देखें, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई बच्चा है जो कि इस प्रॉब्लम का शिकार है तो आप उसमें बहुत ज्यादा उसके मददगार हो सकते हैं कि वो भी एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। इस बारे में बुलेटिन में हम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और महिराना राय शामिल करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेड टाइम्स के साथ। देखते रहिए।